यूक्रेन पर न मिसाइल चली न बमबारी हुई। ना युद्ध शुरू हुआ और ना ही खून खराबा हुआ। लेकिन बिना खून बहाए यूक्रेन खंड खंड हो गया। आज देश हित में हम आपको दिखाएंगे कैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सिर्फ 3 सेकंड में कर दिए यूक्रेन के 3 टुकड़े। चार करोड़ की आबादी वाला एक देश यूक्रेन सिर्फ 3 सेकंड में, जी हाँ 3 सेकंड में 3 टुकड़ों में बट गया। कैसे बटा? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस दाव को देखकर यूक्रेन और अमेरिका समेत पूरे पश्चिमी देश इस वक्त हैरान है, परेशान है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि पुतिन का जवाब किस तरह से दिया जाए। रूस और यूक्रेन तनाव पर इस वक्त जो 5 बड़ी खबरें हैं तफसील से आपको बताते हैं। हमारी पहली बड़ी खबर है, पुतिन ने यूक्रेन के 2 इलाकों दुनियत्स्क और लुहांस को 2 अलग अलग देशों के तौर पर मान्यता दे दी है। दूसरी बड़ी खबर है, रूस ने दुनियत्स्क और लुहांस्क में सेना भेजी है, पुतिन ने कहा कि सेना वहां शांति कायम करेगी। और तीसरी बड़ी खबर है, पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध की तैयारी में है और लगातार बैठकों का दौर जारी है, जैसा कि बार बार ये चेतावनी इन देशों द्वारा दी भी जा रही थी। चौथी बड़ी खबर है, दुनियत्स्क और लुहांस्क में व्यापार और निवेश पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। और पांचवी बड़ी खबर है, यूक्रेन से 256 भारतीय छात्रों की वापसी हो रही है, अब से 2.5 घंटे बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग होगी। लेकिन पहले आप देखिए पुतिन ने कैसे 3 सेकंड में यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिया। यूक्रेन की सेना रूस के हमले का जवाब तैयार करती रही। अमेरिका और नाटो देशों के सैनिक रूस के आसपास होकर भी दर्शक बने रह गए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सारी धमकियां धरी रह गईं। Good afternoon. Today I'd like to provide an update on the crisis involving Russia and Ukraine. और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सिर्फ 3 सेकंड में यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए। इस वीडियो को देखिए। एक बड़ा सा हॉल है और उस हॉल में व्लादिमीर पुतिन बैठे दिख रहे हैं। उनके पास एक फाइल आती है, पुतिन दाहिने हाथ से इस फाइल पर साइन करते हैं और 3 सेकंड में उनका एक हस्ताक्षर यूक्रेन के 3 टुकड़े कर देता है। इस हस्ताक्षर के साथ ही रूस ने यूक्रेन के 2 इलाके दोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी। पुतिन के ऐलान के बाद दोनेस्क और लुहांस में आतिशबाजियां हुई। यूक्रेन से आजादी की लड़ाई लड़ रहे दोनेस्क और लुहांस्क के लड़ाके और वहां के रूस समर्थक नागरिक जश्न मनाने लगे। Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут. Потому что есть статья 5 договора о создании НАТО, в которой, из которой ясно, что все страны Альянса должны... Жиз Алишан Холл мэ бэткэ Владимир Путин Луханск и Донецк ко сватантру дэш ке руп мэ маньята дэ рахэ тэ. Уси Холл мэ ин доно илако ке прамух бхи мوجуд тэ. ये हैं दोनेस्क के स्वघोषित प्रमुख डेनिस पुशिलिन। पुतिन के बाद उस पेपर पर इन्होंने साइन किए और इनके बाद जो व्यक्ति साइन करते हुए दिख रहे हैं वो हैं
लुहांस्क के स्वघोषित प्रमुख लियोनिड पेसेचनिक। दोनेस्क और लुहांस्क को मान्यता देने के बाद रूस ने इन दोनों इलाकों में शांति कायम करने के नाम पर अपनी सेना भेज दी। और अब इस मैप को देखिए, ये यूक्रेन का नक्शा है। यहां पर यूक्रेन की राजधानी कीव है और ये रहा क्रीमिया, जहां पहले से ही रूस का कब्जा है, और ये रहे दोनेस्क और लुहांस्क, और इस तरफ काला सागर, और वहां पर रूस का मित्र देश बेलारूस, जहां रूस की सेना युद्धाभ्यास कर रही है। दोनेस्क और लुहांस्क में रूस की सेना के पहुंचते ही यूक्रेन पूरी तरह घिर चुका है। अब सवाल है कि पुतिन ने यूक्रेन के तीन टुकड़े करने का फैसला क्यों लिया? इस सवाल का जवाब खुद पुतिन ने दिया। некоторые страны НАТО против того, чтобы Украина стала членом альянса. Тем не менее, несмотря на то, что они против, в 2008 году в Бухаресте подписали меморандум, который открывает. पुतिन के ऐलान के बाद यूक्रेन से अमेरिका तक तूफान मचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि वो अपनी जमीन किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे। Від наших партнерів ми очікуємо чітких і дієвих кроків підтримки. Дуже важливо побачити зараз, хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати Російську Федерацію словами. Україна अपनी जिद पर अड़ा है और पुतिन अपनी जिद पर न सिर्फ अड़े हैं बल्कि नए-नए कदम भी उठा रहे हैं। पुतिन ने इस बड़े फैसले के बाद रूस के नागरिकों को संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। граждане России, дорогие друзья, тема моего выступления – события на Украине. И то, почему это так важно для нас, для России. Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах. Еще раз подчеркну, что Украина для нас – это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью... Путин ка нея дам, китна ахем хэ, ор из кадам ке бад аге кя хо сакта хэ, из пар рантраште мамло ке джанкар Робиндер Сачдев не кя каха, аапко джанна чахие. Путин ка е жо кадам хэ, ин до регионс ко рекогнишн дене ка, е бхот ахем хэ. Е индикейт карта хэ, ки Рус аб дхире-дхире... अगर रूस की चले तो धीरे धीरे वो यूक्रेन के ऊपर प्रेशर बनाता जाएगा। बीते कई हफ्तों से युद्ध के कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा, लेकिन पुतिन ने ऐसी बाजी चली कि ना हमला करने की जरूरत पड़ी, ना ही मिसाइल अटैक करना पड़ा। फिर भी यूक्रेन के तीन टुकड़े हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि जिन दो इलाकों को रूस ने मान्यता दी वहां पर पहले हालात कैसे थे और किसी इलाके को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने के नियम क्या कहते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हमारे स्टूडियो बीते कुछ दिनों से आप इस तरह के वीडियो लगातार देख रहे होंगे। यूक्रेन की फौज और रूस समर्थक गुटों के बीच हिंसक झड़प की ये तस्वीरें उसी दोनेत्स्क इलाके की हैं, जिसे रूस ने स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। दोनेत्स्क और लुहांस्क में यूक्रेन की फौज और रूस समर्थक गुटों के बीच हिंसक झड़प बीते कई दिनों से जारी है। यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ से ज्यादा है, जबकि दोनेत्स्क की आबादी 40 लाख और लुहांस्क की आबादी 20 लाख से ज्यादा है। दोनेत्स्क और लुहांस्क में 80% लोग रशियन भाषा बोलते हैं।
साल 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, तब दोनेस्क और लुहांस्क में यूक्रेन विरोधी संगठनों ने वहां सरकारी इमारतों और दफ्तरों पर कब्जा कर लिया था। इन दोनों इलाकों में विद्रोही संगठन अपनी अलग सरकार चलाते हैं, बाकायदा चुनाव भी कराते हैं। कहा जाता है कि इन विद्रोही संगठनों को अब तक रूस का परोक्ष रूप से समर्थन हासिल था। विद्रोही संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे कि रूस उसे मान्यता दे। काफी समय से 2014 से ये और से पहले से भी वहाँ पे रूसी लोग काफी हैं और वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं और उनका कंट्रोल जो है वो वही के लोगों को है का है, रूसी लोगों का ही है। और जो उनके जो सेपरेटिस्ट लीडर्स जिसको कहा जाता है, जो अपने इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, वो जो लीडर्स हैं उन्होंने वही कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे यूक्रेनियन फोर्सेज अंदर नहीं है। अब सवाल है कि कोई इलाका स्वतंत्र देश कैसे बनता है? आखिर देश के तौर पर मान्यता देने के मानक हैं क्या? कहने को कुछ तो नियम है मान्यता के, पर अदरवाइज कोई नियम नहीं है। कोई भी देश किसी को भी मान्यता दे सकता है, जो रूस ने आज करा है। बट मान्यता किसी देश की होने का अल्टीमेट सिंबल ये होता है कि उस देश को यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप मिल जाए। अगर वो देश यूएन का मेंबर हो गया तब ये माना जाएगा कि सारे देश उसको डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज करते हैं। इस समय सबसे ज्यादा संकट में घिरा अगर कोई है तो वो है यूक्रेन। नाटो में शामिल होने की शर्त पर अड़े यूक्रेन ने 2014 में क्रीमिया को गंवाया और अब उसके हाथ से दो और इलाके निकलते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जैसा कि ब्रिटेन द्वारा लगातार चेतावनी दी जा रही थी, ब्रिटेन ने आपको बता दें रूस के 5 बड़े बैंकों पर पाबंदी लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही रूस के 3 बड़े उद्योगपतियों पर भी बैन लगा दिया गया है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश नागरिकों से जल्द यूक्रेन छोड़ने की भी अपील की है। रूस के 5 बड़े बैंकों पर प्रतिबंध, रूस के 3 बड़े उद्योगपतियों पर भी ब्रिटेन का बैन, और साथ ही वो अपने नागरिकों से अपील कर रहा है कि वापस लौटें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.